दिल्ली जब ऐसे मौसम में आती है जो करंटली चल रहा है, ये भाई मौसम देखने लायक होता है। सारी चिड़िया सारे जानवर जब बाहर आके थोड़ी थोड़ी अपनी यू नो सॉन्ग्स गाते हैं अपनी भाषा में, और वो सुनकर आराम से बैठकर मजे जो लेने की बात है ना, वो दिल्ली में ही है। सबके अलग अलग स्टेट है, सबके अलग अलग स्टाइल है, सबके अलग अलग तरीके हैं जीने के जिंदगी को। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, एक चीज जो कभी आप यहाँ पे मिस नहीं कर सकते वो होता है प्यार। दिल्ली वालों में एक अलग ही प्यार है जो शायद आप कभी आओगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ प्यार नहीं, दिल्ली के लोग शौकीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इसी शौक के चलते ना मैंने भी अपना एक शौक पूरा किया जो मेरा बहुत दिल्ली तमन्ना थी बचपन से करने की। एंड एक न्यू फैमिली मेंबर ऐड हुआ है जो आपको बस थोड़ी देर में मैं दिखाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम माई न्यू फ्रेंच बुलडॉग। हेलो जी, व्हाट इज अप सी। क्यूटी का नाम ओडिन रखा गया है एंड इसको अभी हम इसकी खाना देते हैं। बेचारा परेशान हो रहा है, खाओ आराम से। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो लोग साथ जुड़े हैं उन लोगों को पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने काफी सारी स्टोरीज डाल दी हैं। और ये बताया नहीं कि ये मेरा डॉगी है किसी और का डॉगी है, बट हाँ ये अपना ही डॉगी है। एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अपने साथ रखेंगे, ब्लॉग्स में और ज्यादा शामिल करने की कोशिश करेंगे एंड काफी सारा कॉन्टेंट इसके साथ बनाया करेंगे। एंड ये बात भी सच है कि अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि मेरी स्टोरी क्या रह चुकी है डॉग्स के साथ, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर वो आजकल तो मानसून है, लेकिन जब समर था ना, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती। अब गलती क्या थी, जब भी मैं स्टूडियो जाता था स्कूटी पे, मेरे को ना टैनिंग हो गई थी। इवन आफ्टर प्रॉपर इंटेंसिव केयर, टैनिंग मुझे एक ऐसी चीज लगती है जो सबसे वाहियात लगती है स्किन प्रॉब्लम्स में से। मतलब कुछ भी हो जाए, मेरे को टैनिंग अगर हो ना, मुझे अंदर से काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। तो बस प्रॉब्लम आ चुकी थी एंड सॉल्यूशन ऑर्डर करना था, तो कर दिया टोटल डी टैन किट फ्रॉम उस्तरा। एंड दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अपने पास है उस्तरा का डी टैन फेस स्क्रब और दूसरी है उस्तरा की डी टैन क्रीम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्तरा के फेस स्क्रब के बारे में। इसके अंदर वॉलनट ग्रैन्यूल्स है एंड सबसे अच्छी बात इसकी है कि एक्सफोलिएशन के लिए काम आता है एंड जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव करता है। आपकी भी कर दें आपकी, बड़ा प्यारा है यार। अब आप लोगों को पता है कि अपने को इंग्रेडिएंट्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इसमें एक अनोखा सा यूनिक सा इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है गार्डन क्रेस। एंड ये जो इंग्रेडिएंट है पर्टिकुलरली आपकी जो स्किन है ना, उसको ब्राइटन करने में, उसको इवन टोन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अगर डार्क स्पॉट्स या डिस्कलरेशन आपके फेस पे स्किन पे हो रही है तो भी आपको ये हेल्प करेगा। अरे भाई, आपके लिए नहीं है ये लड़कों के लिए है, इंसानों के लिए है, डॉगीज के लिए नहीं है, आपके लिए हम बनाएंगे नया। एंड अगर फेस स्क्रब में मेंथोल हो जो कि एक बढ़िया कूलिंग इफेक्ट दे, तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है जो कि इसके अंदर है। अब चलो देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं दोनों यूज द उस्तरा फेस स्क्रब एंड इसकी क्वांटिटी दिखाता हूँ आपको कितनी लेनी है। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इतनी क्वांटिटी से स्टार्ट करोगे ना, दैट इज गुड। अपने फेस को पहले अगर आप वॉश कर लोगे किसी भी फेस वॉश से, देन इट्स एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि क्लियर स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स अच्छे से हट जाते हैं एंड दैट्स व्हाट दिस डी टैन स्क्रब इज ऑल अबाउट। खासकर जो आपकी टैनिंग है वो रिमूव होने में हेल्प होती है। लेट्स स्टार्ट। आई कैन एक्चुअली फील द ग्रैन्यूल्स काफी सारे मेरे हाथ में, लग रहा है एक्यूप्रेशर वाली जो मसाज होती है ना वो बड़ी गेस्ट टाइम पे, एंड इट इमल्सिफाइज रियली वेल। इसके बाद आपको बस अपने बियर्ड के एरिया में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डेड स्किन होती है, इस तरीके से मसाज करनी है अपने नोज एरियाज में जहाँ व्हाइट हेड सबसे ज्यादा होते हैं, एंड फोरहेड जहाँ पर अगेन काफी ज्यादा डेड स्किन होती है। इस तरीके से बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मत रगड़ना, इट्स योर फेस, आराम आराम से इसको रब करना एंड मेक श्योर कि जो आपकी डेड स्किन है वो प्रॉपरली रिमूव हो रही है। नाइस एंड इजी, स्मूदर स्किन एंड जो मेंथोल की वो ठंडक है ना वो भी मुझे अच्छे से फील हो रही है। अब आती है एक और प्यारी चीज की बारी जिसका नाम है उस्तरा डी टैन स्क्रब। इसके अंदर भी काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बताता हूँ। अब इसके अंदर जापानीज यूज हुआ है जो एक तरह से समझ लो एक ऑरेंज होता है, जो डार्क सर्कल्स, आपकी फाइन लाइंस, एजिंग के जो रिंकल्स होते हैं, स्पॉट्स, इन सबको कम करने में हेल्प करता है। स्किन रिपेयर करने के साथ साथ ये क्रीम बहुत ज्यादा लाइट भी है एंड नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन से भी बनती है। अब आती है हमारी दूसरी डी टैन क्रीम की, एंड इसको भी यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे अगर आपने स्क्रब कर लिया या आप स्क्रब नहीं भी कर रहे हो ना, इसको फेस वॉश के बाद आप एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। और आपको टैनिंग मतलब यू नो सीरियसली निकालनी है तो इतना सा इसका अमाउंट लेना, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है, हल्का हल्का जहाँ जहाँ टैनिंग आपको फेस हो रही है वहाँ वहाँ इसको कर देना। फोरहेड पे सबसे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अमाउंट लगा सकते हो एंड दैट इज ऑल। फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, जो जैपनीज यूज़ू मैंने आपको बताया उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से, ऑरेंजिश टाइप की। एंड इस तरीके से इमल्सिफाई करके अपनी स्किन में यू विल फील द डिफरेंस। नॉन स्टिकी है, विच इज़ रियली गुड थिंग। ओह माय गॉड, ये तो गायब ही हो गए लगाते ही। दिस कैन बी माय गो टू क्रीम एज वेल फॉर नाउ।
सबसे बढ़िया बात जो इन दोनों प्रोडक्ट्स की मुझे लगी वो ये है कि इनमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो। अगर मैं स्किट की बात करूँ, अगर आपको टैनिंग हटानी है प्रॉपरली, एक अच्छा सा रिजल्ट देखना है, तो इसको हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप यूज करते हो ना, तो आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसको क्रीम को आप डेली भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस एंड सी रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको खरीदने में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इनकी वेबसाइट पे Lakshya20 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो, आपको फ्लैट 20% ऑफ इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये Amazon Flipkart पर भी अवेलेबल है, जहां से आप चाहो वहां से आप ले सकते हो। देखो डिंगा केले का टाइम हो चुका है, ये एक बनाना पूरा दिन का खाता है। देखो देखो देखो, भूखी उच्ची बाज बाज, आज आज खिलाते हैं। गुड बॉय, देखो कैसे जीभ बाहर आ जाती है इसकी। सेट अभी भाई साहब ने केला खा लिया है। अभी केले का छिलके को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसको भी खाने वाला था, इसलिए मैं नीचे जाके उसको फेंक के आया हूँ। एक व्लॉग ना बनाने का रीजन ये भी था कि मैं इसके ऊपर पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार ही ना मेरे अंदर से ये सेटअप हो जाए कि हाँ भैया एक हम पाल सकते हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम नहीं पाल पाएंगे। तो वो चीज माइंडसेट बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया। तो अब बात कर रहे थे इस शैतान के बारे में। ये शैतान मेरे पास आया था 1 हफ्ते पहले, एंड मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मैं एक पेट को रखूं पालूं। ये देखो इसकी पपी बाइटिंग स्टार्ट हो गई। बच्चे बच्चे अभी नहीं करनी, अभी हम वीडियो शूट कर लें, इसकी आदत डाल लो। आप एक फैशन ब्लॉगर के घर पे आए हो, समझ आई इसका क्या मतलब है? आपको अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाएंगे, आपकी ग्रूमिंग का ख्याल रखेंगे, शायद फिर चीज़ें होंगी। तो आई डोंट नो आपने मेरी साइड कभी देखी है या नहीं, बट मुझे इनसे बड़ा प्यार है, जानवरों से एक अलग ही तरीके का प्यार है। एंड अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ जो इससे पहले की थी, आई हैव ट्राइड 2 times, ट्वाइस आई ट्राइड टू यू नो पेट अ डॉग, बट आई फेल्ड मिजरेबली। पुराने जो लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ज़ारा करके एक अमेरिकन बुली मैंने ली थी, जो कि 1-2 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, एंड मैं उसको नहीं कर पाया इतने अच्छे से। यू नो उस टाइम मेरे पास कोई था भी नहीं, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा था। इस कमरे में कोई नहीं आता था, यही सेम कमरा था। मुझे वो सारी चीज़ें अच्छे से याद है, क्योंकि वो ट्रॉमा एक तरह से मेरे दिमाग में बैठ गया है। 1 या 1.5 साल बाद आई अगेन ट्राइड कि मैं फिर से एक पेट को पालूं। मैं दूसरे की अगर बात बताऊं तो मैंने उसी कुछ टाइम के बाद ना, मेरा जब शौक पूरा नहीं हुआ था, मैंने कहा था यार ये तो काफ़ी जल्दी खत्म हो गया, मैं पेट ढंग से कर भी नहीं पाया, तो मैं अडॉप्शन के लिए देख रहा था काफ़ी सारे डॉग्स। एंड वहां पर मुझे एक लैब्राडोर मिला, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा था वो, एंड एक दिन में मेरे से संभाला नहीं गया तो मुझे वो भी वापस देना पड़ा। सो इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। ज़ारा के जाने के बाद आई वॉज प्रेटी स्केयर्ड कि मैं पेट पाल पाऊंगा या नहीं अकेले से। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, मेरे को गिव अप करने का मन नहीं किया। एंड इफ़ यू नो मी एज अ पर्सन, आप जानते हो मैं गिव अप इतनी जल्दी नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने उसी फ्रेंड से जिससे लिया था अमेरिकन बुली, उसी को बोला कि यार मेरे को ऐसा ऐसा शौक आया है, मुझे कोई स्मॉल ब्रीड में बता कि अच्छा कौन सा हो सकता है डॉग। देन ही सजेस्टेड मी सबसे पहले डैशंड को देखा तो वो मेरी पर्सनैलिटी से ना मैच नहीं कर रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा कि एक बुलडॉग जिसकी पर्सनालिटी हो बढ़िया, जो हो थोड़ा नॉटी मेरी तरह एंड एनर्जेटिक, खास करके हो, ये बहुत हाइपर एक्टिव डॉग्स होते हैं एंड सुंदर तो हो दिखने में, साथ ही साथ एक एग्जॉटिक ब्रीड हो। सो देन आई गॉट द फ्रेंच बुलडॉग, इसका नाम है ओडिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओडिन इज द गॉड ऑफ थंडर, नहीं, ओडिन इज द फादर ऑफ गॉड ऑफ थंडर जो कि थॉर है। तो ये उसका पप्पा बनेगा, जब इसकी एज आएगी, जब इसको मेट करवाया जाएगा, तब हम थॉर इसके बच्चों का नाम रखेंगे, लोकी रखेंगे, एंड एक और थी ना वो जो लड़की थी उसका भी नाम रखा जाएगा। क्यों भाई, बच्चों के लिए रेडी हो आप? हाँ भाई, छोटू सी बच्ची है। ये बहुत प्यारा है, ये खेलता है पूरे टाइम अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से रखा गया है इसको अभी तक, इतने लाड प्यार से कि थोड़ा सा बिगड़ भी चुका है, बट हाँ इसकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो इधर उधर एक कर देता है, वो हमें जो खुद उठानी पड़ती है, विच इज़ रियली डिस्गस्टिंग, बट क्या करें, बच्चा तो अपना ही है ना, अब पाल लिया तो मजे तो हमें ही करने हैं। देखो देखो बड़ा प्यार है, प्यार बहुत करता है ये हमसे। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, दिखने में ये आपको बड़ा भोला सा लग सकता है, देखो अभी उठाया ना कितना भोला वाला सा हो गया है, लेकिन जब इसके सामने खाना आता है या इसके सामने इसके टॉयज आते हैं, ये बिल्कुल ही अलग रूप ले लेता है। अपरचित में जैसे डुअल पर्सनालिटीज थी ना, मुझे लगता है इसकी भी कुछ ना कुछ है, और जो दूसरी पर्सनालिटी होती है वो शायद ही कोई देखना चाहेगा। तो ये देखो इतनी वो जीभ निकाल ली है। हाँ भाई इतनी वो जीभ निकाल ली है। इसको मैं कभी कभी ऊपर बेड पे ले आता हूँ जब अकेला फील कर रहा होता है, नीचे फिर अगर नीचे छोड़ो तो भौंकता है, बट मैं इसको बेड की आदत डालना नहीं चाह रहा। ये देखो अपनी बाइटिंग फिर से स्टार्ट है। इतने सारे टॉयज है लेकिन इसको मेरे हाथों से खेलने में अलग ही मजा आता है।
और अगर इसकी एज की बात करूं तो ये अभी बेचारा 4 मंथ्स का भी नहीं है, ये 3.5 मंथ्स का है, मतलब 25 अगस्त को ये 3 मंथ्स का हुआ था। अब धीरे धीरे अब आप कैलकुलेट कर लो, ये वीडियो जब लाइव हो रही है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बरस का हो चुका है। सुन बरस की जवानी, थोड़ा सा परेशान होता, छोड़ दिया उसको, नीचे आराम कर रहा है वो। बट सीरियसली आई एम इन लव, आई एम अगेन इन लव, एंड पिछली बार जो नहीं था इस बार वो है। मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे मेरी लाइफ के लिए फॉलो करते हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि ये एक डॉग है, एक लिविंग बींग है, प्रॉब्लम्स आएगी आगे, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं कुछ गलत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट पिछली बार मेरे साथ कोई नहीं था, बट इतने सारे लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना कभी हिम्मत मत हारने देना। अगर बाय चांस मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊँ या कुछ भी हो जाए, अगर आप ये कॉमेंट भी करोगे ना कि लक्ष्य भाई हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे उर्डिन को, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, बट दिस इज़ द ट्रूथ, एंड आई थिंक अगर मैं आप लोगों से ये साफ साफ बोल दूंगा तो इससे बड़ी कोई चीज़ होगी नहीं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ज़्यादा के टाइम पे मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं रातों को सोता नहीं था, 3-3 दिन 4-4 दिन मैं स्ट्रेट जागा हूँ, जस्ट टू यू नो टेक केयर ऑफ हर एंड टू मेक अ फील कम्फर्टेबल, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ के जब आपके घर पे आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, खिलाया जाए, घुमाया जाए, प्यार किया जाए सबसे ज़्यादा, ताकि ये खुश रहें और अपनी ज़िंदगी लंबी जी पाए। एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम ओडिन, एंड धीरे धीरे करके सुसु करने वाला ही है। ओए रुक जा, और बस यही, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होता है आपको भी मज़ा आएगा इसको बड़े होते हुए देखने में। अभी आपको मैंने इसकी पहली झलक दिखाई है, कितना छोटा सा है, प्यारा कॉम्पैक्ट सा बेचारा फ्रेंच बुली है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये बढ़ेगा आगे, कैसे कैसे इसकी ग्रोथ होगी, क्या क्या इसके साथ हम करने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैंने ओडिन के साथ प्लान किए हुए हैं। सच बताओ तो मेरे दिन ऐसे ही जाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने वॉर्न किया था कि अगर तू पाल रहा है ना ये डॉग, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो तेरे को टेक केयर करनी पड़ेगी, एंड वो सच बात है। अगर आप रेडी नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं था, मैंने तो फिर भी ज़बरदस्ती ले लिया, डोंट पेट अ डॉग, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फिर वो आप डॉगी को कहीं ना कहीं देने की ट्राई करोगे, फिर छोड़ दोगे, एंड दैट जस्ट नॉट जस्टिफाइज कि आप एक डॉग को अपने घर लेके आ रहे हो, क्योंकि मैंने जैसा बताया वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रहा है। इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, फॉर अस, एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी अच्छे से टेक केयर करें। महाशय पानी पीते हैं, सुसू करते हैं, पानी पीते हैं, सुसू करते हैं, वो भी रूम में ही करता है। अब इसको थोड़ी सी आदत डालें कि बाहर जाओ भैया, थोड़ा सा भौंको कि हमें बाहर जाना है, तब जाके ये सीखेगा। क्या मिल गया इधर, क्या मिल गया आपको, हैं क्या मिल गया, फूजी 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 मिल गई, फूजी फूजी है। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपके घर में कोई पेट है, क्या है, कौन सी ब्रीड है, क्या उसका नाम है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो यू नो प्राउड डॉग ओनर्स हैं या फिर प्राउड पेट ओनर्स हैं फॉर दैट मैटर, एंड मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। चलो जाओ भाई, 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 ये इसके मुंह में सिर्फ यही बॉल आती है, बाकी भी इसके टॉयज हैं, पर उनसे इतना ज़्यादा नहीं खेलता जितना इस बॉल से खेलता है। इस कैरेट से भी खेलता है, कभी कभी इससे भी खेलता है। ये सब चबाने से ना इनके जॉस थोड़े जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड थोड़ा हेड साइज पे फर्क पड़ता है, तो इसको मैं इसलिए इतने सारे लाते। अब देखो भाई साहब को, इतने टॉयज है, इतना सब कुछ दिला रखा है, इतने पैसे खर्च कर रखे हैं छोटू पे, लेकिन खेल किससे रही है, प्लास्टिक से, रैपर से, कूड़े से उठा के लाया बकायदा। प्यारा इतना ना, कुछ बोलने का मन नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूरी है, एक एक चीज़ इसको सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ब्रीड है ना नॉर्मल नहीं है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, इसमें समझ काफ़ी है, इसको पता है क्या मुझे खाना है, अंदर लेना है मतलब गले के, और क्या नहीं लेना है। तो पत्ते, ये प्लास्टिक, इनसे सब खेलता है और फिर छोड़ देता है। ये अच्छी बात है कि अंदर लेता है, इसलिए मैं इसको इतना अलाउ भी कर रहा हूँ, वरना अभी करके नो बोल के करना पड़ता, इससे खींचना पड़ता। ये पिंकी है, देखो यहाँ से पिंकी पिंकी, ये चुटू 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 चुटू, ये देखो इसके दांत भी कितने छोटे छोटे से हैं, प्यारे प्यारे से। अभी अब देखो डांट पड़ी है ना, तो मेरे पैर के पास आके सो गया है, साबुन खाने लग गया था रेनबो भी। अबे यार क्या बंदा यार तू, फिर तो मैंने रोक लिया, इसका मुंह खोल के सारा निकाल लिया था मैंने, बट इसके जीभ में थोड़ा थोड़ा लगा था, तो मुझे लगता ही निकल चुका होगा। अब बस यही छोटी छोटी हरकतें आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को तो मिलने ही वाली है। इसके साथ जो जो होगा, जिस जिस तरीके से होगा, अगर आप एक न्यू पेट ओनर हो, आप भी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, तो आई थिंक ये वाली जो जर्नी है ना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये काफ़ी आपके काम आएगी, प्लस मज़ा आएगा बनाने में। बाय द वे अनदर अपडेट ऑन द कैमरा, कैमरा मेरा जा चुका है सर्विस सेंटर, अराउंड 1 वीक होने वाला है, तो मोस्टली मुझे इस वीक में मिल जाना चाहिए या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मिल जाना चाहिए, तो उसके बाद आपको वही वाली क्वालिटी वापस देखने को मिलेगी। लेट्स होप जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि वो माइक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए। महाशय खा चुके हैं, लेट चुके हैं पैर फैला के, अब ये थोड़ी देर सोएंगे। सो जाओ सो जाओ।
और इसी के साथ हम भी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए फैमिली मेंबर के साथ इस चैनल को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। एंड आपका सपोर्ट चाहिए तो अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर इंस्टाग्राम पे आप रेगुलर रील्स देखना चाहते हो, काफ़ी सारी चीज़ें देखना चाहते हो, यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप लोगों से विदा लेता हूँ एंड मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।